दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। तो ये है दूसरा दिन बाय राइड, बट देन सुबह मैंने व्लॉग एंड किया था जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, तो अभी यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ। और ये काफ़ी देर हो चुकी है ब्रेकफास्ट वगैरह करके, 2-2.5 घंटे हो गए हैं। तो मैं आ गई नीचे जिम के लिए, क्योंकि जनरली मैं वर्कआउट करती हूँ रोज़, तो मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पर जब है फैसिलिटी तो उसको भी यूज़ कर लिया जाए। तो और सनी भी है नहीं, अगर होते तो हम साथ आते, क्योंकि हम साथ ही जाते हैं वर्कआउट करने भी अभी। तो बस मैं अभी मेरी साइकिलिंग कंप्लीट कर रही हूँ, जो कि मेरा रोज़ का होता है, और उसके बाद थोड़े बहुत 1-2-3 चीज़ें फिर ट्राई करूँगी मैं, क्योंकि ये वाला प्रॉपर जिम में मैं नहीं करती हूँ। मैं जो पार्क वाला जिम होता है उसमें करती हूँ, तो थोड़े बहुत चीज़ें ट्राई करूँगी। एंड उसके बाद फ्रेशन अप होके फिर हम नीचे मॉल जाएँगे, घूमते हैं, दिखाती हूँ टर्मिनल 21 जो मॉल है वो कैसा है। टर्मिनल 21 की खासियत ये है कि वहाँ पर सारे ऐसे ना अलग अलग गेट्स बने हुए हैं, इस्तांबुल, इटली, टर्की, ऐसे अलग अलग बने हुए हैं, इसलिए उसका नाम टर्मिनल 21 है। तो जिम देख रहे हो खाली है, बस एक इंसान एक और जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं। सो या चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की बहुत अच्छे से, फ्रेश हेल्दी स्टार्ट से। वर्कआउट हो गया है थोड़ा बहुत, देखिए काफ में डिफरेंस मुझे पता चलता है। और ये देखिए, ये वाला गेम है, और ये दो लोग खेलने वाला कार रेसिंग वाला भी है गेम, ये शाम को मैं और सनी खेलेंगे। और ये वाला भी है, ये मज़ा आता है। हम बैंगलोर में जब थे तो हम ये क्या एयर हॉकी बोलते हैं ना इसको शायद, हाँ। अरे गेम स्टार्ट हो गया, चलिए चलते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और निकलते हैं। ये वाले प्रोटीन ये भी वो उन्होंने फ्री रखे हैं यहाँ पे, कुछ कुछ ब्राउनीज एंड कुकीज़ वगैरह हैं। इज आर ऑल शुगर फ्री आई गेस, कल ट्राई करते हैं, आज मन नहीं है मेरा। ये एरिया मुझे उसने बताया वहाँ पे जो सिक्योरिटी बैठे थे, तो बोले कि यहाँ पे जकूजी एंड सावना एंड स्टीम है, तो ये तो वॉशरूम्स हैं, ये स्टीम रूम है और ये सावना रूम है, और यहाँ पे जकूजी है। देखिए ये है जकूजी, और यहाँ से ऐसा कुछ व्यू है। अरे देखिए, इसके लिए फिर कपड़े लाने पड़ेंगे, और यहाँ पे उन्होंने सारे रूल्स लिखे हैं, स्विमिंग सूट चाहिए वगैरह वगैरह जो भी होता है जनरली। और ये देखिए टेम्परेचर ऐसा ऐसा है अंदर, आई थिंक कोई है कि नहीं पता नहीं। ये स्टीम रूम है, पूरा फॉग हो रहा है अभी, अंदर स्टीम है एक्चुअली बहुत ज़्यादा। ये है, मैं कल लूँगी, आज नहीं। और सोना देखते हैं, पता नहीं मुझे कोई अंदर है कि नहीं, ओ कोई नहीं है। तो ये रहा सोना, ओ पत्थर रखे, अरे बहुत गर्म है यार ये तो, ओ गॉड बहुत गर्म है। सो ये तीनों कल करूँगी मैं, आज नहीं। तो वहाँ पर पूरा ऐसा होने के बाद ये एरिया बना हुआ है, ये देखिए, तो यहाँ पे आप बाल सुखा सकते हो अपने, फिर यहाँ पे क्यू टिप्स रखे हैं क्लीन विन करने के लिए, कान वगैरह, हेयर ड्रायर्स हैं, और ये लॉकर रूम्स हैं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। बहुत सुंदर बनाया है यार, ब्लैक एंड गोल्ड थीम इज़ ऑलवेज माय फेवरेट। देखिए कितना मस्त बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली है, कल करूँगी मैं पक्का से। सो फाइनली मैं तैयार होकर अभी निकल चुकी हूँ, एंड मैंने ऐसा सिंपल सा ड्रेस पहना है, और मैं जा रही हूँ नीचे के मॉल में ही, टर्मिनल 21 मॉल दिखाऊंगी आपको, और फिर हम घूमते हैं, देखते हैं अगर कुछ नया दिखा तो देखते हैं, वरना फिर देखेंगे क्या क्या होता है। ये रहा हमारा होटल, होटल से ऐसे आते ही यहाँ से जाके फिर हम घुस जाते हैं मॉल में, जो कि टर्मिनल 21 मॉल है। मतलब मैंने बोला ना एकदम होटल से कनेक्टेड है, तो कहीं भी बारिश वारिश कुछ भी हो रही हो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टर्मिनल 21 है, और इसका आप देखना सिक्योरिटी गार्ड भी ना आपको ऐसे लगेंगे जैसे फ्लाइट में जो खड़े रहते हैं ना एयरपोर्ट वगैरह पे सिक्योरिटीज वैसे। और ये देखिए अराइवल एट ऐसे लिखा हुआ भी है, रोम में आ गए हम तो काफ़ी बड़ा मॉल है ये, बट शॉपिंग एंड फूड आइटम्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, और ऐसे ही डिफरेंट एरियाज लिखे हुए हैं, मैं जहाँ जहाँ दिखेगा ना दिखाती जाऊँगी। और ये देखिए बीच में ऐसा लाइट हाउस भी बनाया है,
और वहाँ पे देखिए पूरा खाने की चीज़ें हैं एंड लोग वहीं पे खरीद के वहीं पे खड़े होके खा भी रहे हैं। तो हम देखते हैं नीचे जाके क्या है, मेरे लायक कुछ है तो, वरना मैं वो फ्रूट्स, मुझे कल से उस पर नजरें हैं वो फ्रूट्स पे, तो लेट्स सी वो भी देखते हैं। एंड और देखिए कितना ऊपर तक है शॉपिंग का, है ना, ऐसी सब क्यूट क्यूट सी चीज़ें और सब कुछ हैं, बट मैं ऐसा कुछ लेती नहीं क्योंकि मैं पहनती भी नहीं हूँ। ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे चीज़ें, लेट्स सी बाद में अगर पसंद आए तो खरीदूँगी मैं। ये मैं बैंकॉक आके भी ग्रॉसरी स्टोर में आ गई हूँ, ग्रॉसरी चेकआउट कर रही थी, प्राइसिंग कैसा है यहाँ पे एंड सिंगापुर का, मैं कंपेयर कर रही थी। मुझे कॉफ़ी बहुत सस्ती लगी यहाँ पे, देखिए 199 बाट की है जो मैं पीती हूँ, बहुत सस्ती है, 199 मतलब $8 की है, सिंगापुर में $14 की आती है ये। तो आई थिंक मैं कॉफ़ी ले लूँगी यहाँ से, क्योंकि वैसे भी मेरी एक आधी बॉटल हो गई है अभी, तो ये मैं ले सकती हूँ क्योंकि सस्ती है काफ़ी। एंड ग्रॉसरी देख रही थी मैं यहाँ पर क्या डिफरेंट है, क्या अलग है, तो कुछ डिफरेंट दिखा तो फिर मैं लूँगी और इसके बाद मैं जाऊँगी शॉपिंग मॉल दूसरी जगह पर। तो ये देखिए कैरिबियन है यहाँ पे, और एक सेकेंड में आपको मैं पेरिस भी लेके जाऊँगी, ये रहा पेरिस, मैंने बोला ना अलग अलग हैं डिपार्टिंग गेट्स ऐसे लिखे हुए हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा विक्टोरिया सीक्रेट की तरफ जा रही हूँ, वहाँ जाके देखते हैं क्या है। देखिए हम इजिप्ट में हैं, तो इजिप्ट जैसा ही पूरा यहाँ पे ना बना रखा है, पूरा टर्की इजिप्ट उसका थीम है ये, देखिए शॉप्स के ऐसे भी, और पूरे आपको कस्टम मेड चीज़ें भी मिलती हैं यहाँ पे, आप ऑर्डर देके भी बनवा सकते हो। और ऊपर देखिए पूरे टर्किश लैम्प्स वगैरह लगे हुए हैं, बहुत सुंदर है ये वाली जगह। बट देन सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं यहाँ पर, आपको कुछ भी ना एकदम इको फ्रेंडली, आई मीन सॉरी पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें नहीं मिलेंगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं चीज़ें यहाँ पर। अकेली घूम रही थी तो किसी की तो दोस्ती करनी पड़ेगी ना, तो इसकी दोस्ती कर ली। इतना मस्त है ना कि ये स्टैचू बनाया है यहाँ पे, मेरा नया दोस्त है समझ लीजिए आप। शर्मा रहा है, वो आंखें बिल्कुल नीचे करके बैठा है, देखिए मस्त बनाया है एकदम। एक बहुत प्यारी सी मुझे बेकरी दिखी, बेक अ विश इसका नाम है, और इतने छोटे 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 मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखी हैं। ये देखिए ये होकाइडो मिल्क रोल है, इतना छोटा सा ऐसे, और मेरे हाथ को माइंड मत कीजिए, बहुत सारा लिपस्टिक ट्राई किया मैंने, और ये यूनिकॉर्न केक है, एंड ये देखिए जेरी लव चीज़, एकदम चीज़ जैसा बनाया है और चीज़ वाला ही पेस्ट्री है आई थिंक ये। एंड ड्यूरियन लवर्स के लिए ये ड्यूरियन वाला है कुछ, एंड बहुत सस्ता सस्ता है ना, ये वाले तो 40-50 के हैं। और मैं आपको दूसरा वाला दिखाती हूँ यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए छोटा सा, ये 17 बाट का है, इट्स लाइक सुपर, बहुत सस्ता एंड छोटा 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 सा है। तो इसमें से मैं आई थिंक एक दो ले लूँगी एंड देन आई विल ट्राई दिस। ओके, तो मैंने ब्राउनी और ये लिया है। तो अभी मैं इस वाले टर्मिनल 21 से बाहर आ गई और अभी मैं जा रही हूँ MRT की तरफ, और देखिए बारिश शुरू हो गई है। मैं जा रही हूँ CM स्क्वायर, जो कि 3 MRT स्टॉप्स यहाँ से बाहर दूर है, तो MRT लेके जा रही हूँ। यहाँ पे रैबिट कार्ड्स यूज़ होते हैं, मेरे पास रैबिट कार्ड्स कुछ साल पहले जब मैं बैंकॉक आई थी तब के थे, तो मैंने उसी को रिचार्ज करा लिया फिर से एंड उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अभी चलिए चलते हैं, कि बारिश पूरी स्टार्ट हो गई है, और ये रही MRT लाइन, एंड सबवे भी चलती है यहाँ पर, ऊपर वाली को BTS बोलते हैं ये, नीचे को सबवे बोलते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे हमेशा ऐसे ही बना रहता है। अब मैं ये वाली MRT के से थ्रू अंदर जा रही हूँ, अंदर जाके फिर मैं CM स्क्वायर तक जाके आऊँगी, घूम के आती हूँ यार, क्या करूँ है ना, अभी जस्ट टाइम ही नहीं किल हो रहा है, यहाँ पे जल्दी उठी हूँ ना मैं, तो अभी जस्ट 2 बजे हैं। सो थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगी, 5-10 मिनट्स का ही रास्ता है। चलिए, सो ऐसा होता है रैबिट कार्ड, सो लेट गो। यहाँ पे ऐसे ओपन MRTs देख के ना, मतलब तो सिंगापुर में ज़्यादा से ज़्यादा अंदर अंदर वाली दिखती है ना, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की लाइन। तो इस स्टेशन का नाम है अशोक, और ये टर्मिनल 21 देखिए, इसमें ही हमारी ऊपर होटल दिख रहा है ना, उसमें हमारी रूम है।
तो एकदम टर्मिनल 21 के सामने ये अशोक है। तो यहाँ से अभी CM जा रही हूँ, MRT आ रही है शायद दूर कहीं। अकेले एक्सप्लोर करने में भी बहुत मज़ा आता है, कभी आप ट्राई करके देखिए अनजान कंट्री में, यू विल लव इट, ट्रस्ट मी। मैं ऐसे बहुत जगह घूमी हूँ एंड अकेले अकेले घूमने में ना बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, प्लस वो कॉन्फिडेंस जो आता है ना वो अकेले घूमने में ही आता है। जब आप जैसे मैं सनी के साथ घूमती हूँ ना, मैं टेंशन ही नहीं लेती, बस उनको फॉलो करती रहती हूँ। बट जब मैं अकेली रहती हूँ ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, अपना भी ध्यान रखो, सामान का ध्यान रखो, एंड देन आजू बाजू क्या चल रहा है उसका भी ध्यान रखो, सो यू शुड बी वेरी माइंडफुल। तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एक तो ये मैं CM पैरागॉन बोल के मॉल है, बहुत फेमस है, तो अब यहाँ आई हूँ। वहाँ देखिए लिखा हुआ दिख रहा है आपको CM पैरागॉन, और हर जगह ये प्राइड वालों के लिए ना ये पूरा एडवर्टाइजमेंट हुआ है। आई थिंक एडिडास वालों ने भी प्राइड मोमेंट के शूज़ निकाले हैं। ये LB क्या बोलते हैं उसको, LBGT कम्युनिटी वालों के लिए होता है ये, LBGTS शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनके लिए देखिए पूरा बनाया है, एंड आई थिंक ये स्टारबक्स है इसके पीछे, वहाँ पर भी उन्होंने वही प्रमोशन किया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं बैंकॉक में, सो चलिए टैप आउट करते हैं और चलते हैं मॉल की तरफ। ये लिया है अभी जो ग्रिल्ड को बनाना देखा आपने, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है वो, तो यहाँ पे रेडी करके दिया है उन्होंने, उसके ऊपर कोकोनट सॉस कुछ डाला है, सो लेट्स ट्राई, ये कैसा लगेगा देखते हैं। ठीक है, गर्मा गर्म तो निकाल के दिया है, लेट्स, थैंक यू। बहुत यूनिक चीज़ दिखी मुझे, बनाना ब्रेड्स हैं ये, इतने यमी हैं, उसके ऊपर ही उन्होंने बनानास भी लगाए हैं, एंड थाईलैंड के बनाना वैसे ही फेमस होते हैं। ये देखिए ये वाला इतना यम्मी है, बहुत अमेजिंग टेस्ट है। कभी आप अगर आ रहे हो ना तो यहाँ से ये ज़रूर ट्राई करना ना, बनाना ब्रेड, एंड इनका नाम है सिर्फ बनाना, ठीक है ना, बहुत मस्त है ये। यहाँ देखिए इतने वैरायटी की चीज़ें हैं, और खाने के लिए पूरा मॉल है, एंड माइंड यू सिंगापुर में मैंने इतना खाने की चीज़ें नहीं देखी जितने मैं बैंकॉक में देख रही हूँ। ओ माई गॉड, एकदम क्लासिक प्रीमियम से लेके एकदम रोड साइड की चीज़ें तक की, इतनी सारी सुंदर सुंदर है। देखिए क्या देखूँ क्या छोड़ूँ, समझ नहीं आ रहा, एंड ये अच्छी है चीज़ जो मैंने ली, बनाना है एंड कोकोनट मिल्क से इन्होंने सॉस बनाया है, अच्छा लगा मुझे यार। खाने के लिए देखिए इतना बड़ा मॉल पूरा खाने का है ये, एंड CM पैरागॉन का शॉपिंग सेंटर अलग साइड है, और ये खाने का है, देखिए सब लोग खा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ बना के दे रहे हैं, खुशबू बढ़िया आ रही है यहाँ से। वो देखिए दुल्हन जैसे तैयार होके भी आई है एक मॉल में। सो एक्चुअली मुझे ना बैंगलोर का टैकोबेल बहुत पसंद है, इंडिया में टैकोबेल है बट सिंगापुर में टैकोबेल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे दिखा तो मैंने सोचा कि ट्राई कर लूँ। तो भैया मुझे हमेशा क्रिस्पी चिकन टैको खिलाता है, तो वही ट्राई करने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए टेस्ट करके देखती हूँ एंड बताती हूँ कि बैंगलोर से अच्छा है या बैंगलोर वाला बेस्ट है, एंड ये ओके क्या है बताऊँगी। दिखने में तो सेम है, भैया की याद आ रही है क्योंकि हमेशा हम दोनों शेयर कर करके खाते हैं। हाथ देखिए कितना कुछ ट्राई किया है, एंड मैंने क्या क्या लिया है ना वो दिखाऊंगी मैं, आई थिंक सिंगापुर जाके दिखाऊंगी, लेट्स सी। इतना यम्मी था टैको बेल, मुझे ऐसे मन कर रहा था कि और खाऊं, बट मैंने बचा के रखा है, वो टैको नहीं बचा के रखा है बट वो आस बचा के रखी है ताकि मैं सनी के साथ आके खा पाऊँ, क्योंकि सनी बैंगलोर में ही खाए हैं टैको बेल और कहीं खाए नहीं है, तो यहाँ पर मैं उनको ट्राई कराना चाहती हूँ, तो मैंने सनी के लिए वो स्पेस बचा के रखी है। बहुत ही यम्मी था, अमेजिंग टेस्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का टैको बेल। के मास्क जैसे दिखने वाले चेयर्स हैं, ये लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, मस्त लगी ये चीज़ मुझे। सो ये यहाँ का ज्वेल है, इसको ज्वेल बोलते हैं यहाँ पे,
और अब यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं। ये मॉल में सारा ब्रांडेड मामला ही है, तो मुझे कुछ ऐसा लेना भी है नहीं और इतने चाहिए भी नहीं मुझे कुछ, तो इसीलिए अभी मैं ये बेस्ट है। देखिए यहाँ पे कैसे बना के रखते हैं, बारिश हो रही है ना तो एक मॉल से दूसरे मॉल में कनेक्ट होने के लिए ना ये ऐसा खोल देते हैं, इसमें नीचे व्हील्स लगे हैं और ये खोल देते हैं ताकि लोग आराम से जा पाए और बारिश भी ना लगे। तो अब मैं जा रही हूँ सियाम सेंटर में जो वहाँ सामने दिख रहा है आपको, ये देखिए, तो लोग आराम से इसके अंदर से क्रॉस हो सकते हैं। कितनी छोटी छोटी चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी डिफरेंस कर देते हैं, तो ऐसा कुछ इनोवेटिव चीज़ इंडिया में हुआ, सिंगापुर में हुआ, ये लोग बहुत यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। एक्चुअली थाईलैंड के लोग ना दिमाग से बहुत शातिर होते हैं, मतलब हाँ इंडियंस के बाद मैं बोल सकती हूँ कि थाई लोग बहुत शातिर, नहीं थाईलैंड के लोग ज़्यादा शातिर हैं, इंडियंस उसके बाद आते हैं क्योंकि ये सब नहीं किया ना आप लोगों ने। एक स्टोर देखा मैंने कॉन्वी बोल के, ये के पॉप जो स्टार्स हैं ना उनके रिलेटेड स्टोर है ये। और सारे यहाँ पे देखिए ये टिकटॉक के स्पेशलिस्ट वो है, टिकटॉक ट्रेंड में जो चलता है ऐसे ही सब कुछ यहाँ पे कोरियंस का ही भरा हुआ है। और लड़कियों को देखना चाहिए, यहाँ पे ऐसे पागल हो रही है ना अंदर जाके। ये स्टोर है, अगर आप भी केपॉप के फ़ैन हो तो आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो इन चीज़ें देख सकते हो। और यहाँ पे कलर्स और इतने वैरायटी का कुछ 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 तो डिफरेंट किया है ना, मतलब मैं खुद ही ये हो रही हूँ पता नहीं क्या। और वो देखिए एलजी क्या एलजीबीटी में हमेशा कंफ्यूज है, राइट टू लव है ना वो पूरा। एंड एक्चुअली पूरे मॉल को वैसे ही सजाया है इन्होंने, देखिए पूरा वो उनके लिए ही सजाया प्राइड मोमेंट के लिए ही। तो आपको मैं कलर्स का एग्जाम्पल दूँ ना कम पड़ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ ये कैंडी क्रश बोल के है, एंड यहाँ पे ना कैंडीज बन रही हैं और आप लाइव देख सकते हो। ये देखिए ओ माय गॉड, ओके थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे ट्राई करने के लिए भी दिया। और इसके बीच में देखिए कुछ तो बना रहता है, हर कैंडी के बीच में ऐसा रहता है, दूध की बॉटल बनी है, आई थिंक ये याकुल्ट का है, याकुल्ट फ्लेवर सो याकुल्ट की बॉटल बनी है इसमें छोटी सी। देखिए इट वॉज सो स्वीट ऑफ हिम कि उसने मुझे ट्रायल के लिए भी दिया। देखिए कैंडीज बना के पैक करके रख रहे हैं सब, थैंक यू बाय बाय। लोग इतने स्वीट होते हैं मालूम, ये देखिए इनका स्टोर है और यहाँ पे ऐसे कैंडीज बना रखे हैं। और कैंडी के बीच में देखिए यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ऐसे अलग 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 डिजाइंस बना के रखा है इन्होंने। ही ऑलरेडी गेव मी वन, या दिस इज याकुल्ट, ओह माय गॉड सो मेनी। ये देखिए पूरा यहाँ पे बॉटल बना के ऐसे ना आप किसी को भी अपने गिफ्ट दे सकते हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को लेके जाके, यू नो मैं नहीं चाहती कि मेरे फ्रेंड्स कैलोरीज गेन करें तो मैं ये नहीं दे रही हूँ किसी को भी क्योंकि बहुत स्वीट है एक्चुअली, बहुत मतलब बहुत स्वीट है, शक्कर भरा पड़ा है इसमें, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, घूमते हैं फिर निकलते हैं। ये यहाँ का KFC कितना डिफरेंट लगा मुझे, ये रहा KFC, ठीक है यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ये लोग बेच रहे हैं, ठीक है ओके। और उसके बाद जब आप ऑर्डर देते हो तो यहाँ से ये देखिए ये ऐसे माइक्रोवेव जैसे बने हुए हैं ना, तो ये पिकअप बॉक्स हैं, तो आपका ऑर्डर इसमें आएगा, आप इसमें से पिक कर सकते हो। एंड दिस वाज सच अ इनोवेटिव थिंग, मुझे बहुत डिफरेंट लगा यहाँ का KFC, अमेजिंग लगा। सो ये मस्त लगा मुझे यार, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा लगा इसका मुझे, आई जस्ट लव्ड इट। सो अभी आवाज़ आ रही होगी आपको, बट आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं जकूजी में आई हूँ क्योंकि बॉडी इतना पेन कर रही थी यू नो, पूरा दिन घूम के, तो गर्म पानी है, अच्छे से प्रेशर को मैंने ऑन किया है तो इतना अच्छा लग रहा है, मानो बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि मैं थोड़ा सा आवाज़ बंद करती हूँ, ओके तो है ना पूरा दिन घूम के जो थकान हुई थी ना, इतना मज़ा आ रहा है, मालूम गर्म पानी है और इतना अच्छा लग रहा है इसमें बैठ के। तो देखिए और कोई नहीं है यहाँ पे, मैं अकेली हूँ,
एंड मेन और वुमेन अलग है। तो सनी भी आए ऑफिस से, वो अपना जकूजी अपने मेन एरिया में गए हैं और मैं यहाँ पे हूँ। बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। आपको कभी कभार ना ऐसे गर्म पानी के टब में बैठना ज़रूरी होता है, उससे ना इतना रिलैक्सिंग लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एयर और पंप दोनों ऑन किया था अभी। वो आपके बैक को ना, जैसे आपको होल्स दिख रहे हैं उसमें से ना आपको ऐसा ऐसा प्रेशर मिलता है आपके बैक वगैरह पे ना, बहुत राहत मिलती है। तो इतना अच्छा लग रहा है।